नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। सपनों की दुनिया की बात करते हैं। स्वप्न शास्त्रों के अनुरूप कुछ सपने होते हैं जिनको देखकर हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भयानक सपने होते हैं। उन सपनों का फल जानने की बहुत उत्सुकता रहती है क्योंकि वो डर मन से नहीं निकलता और लगता है कि कुछ हमारे साथ अनिष्ट होने वाला है। और एक बात बताते हैं कि जो सपने गोधूलि यानी 4 से 5 बजे के बीच सुबह के समय हमें दिखाई देते हैं, वो सपने ज्यादा वास्तविक रिजल्ट देते हैं। उनके बारे में बताया जा सकता है कि वो सत्य हैं। अब डरावने सपनों में पहला सपना मैं आपको बताता हूं। आपने सपने में मुर्दा देख लिया, डेड बॉडी देख ली किसी की और देख के डर गए। उस सपने से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो सपना बता रहा है कि आपका जो खराब समय है वो खत्म हो गया और अच्छा समय आने वाला है। कुछ रुके हुए जो रिजल्ट थे वो आपके फेवर में आएंगे। सपने में आप देख रहे हैं आपके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं लोहे की। डर जाते हैं आप कि ये मेरे साथ क्या अनिष्ट होने वाला है। वो बेड़ियां दिखा रही हैं कि कोई सरकारी जॉब मिलने वाली है, नौकरी मिलने वाली है, और अगर जॉब करते हैं तो कोई तरक्की होने वाली है, प्रमोशन होने वाली है। बहुत ऊंचाई पर आप खड़े हैं या बहुत गहरी खाई में आप खड़े हैं अकेले, तो ये सपना देख के आपको डर लगेगा। चारों तरफ कोई भी नहीं है। ऐसा सपना दिखा रहा है कि धन प्राप्ति होने वाली है, सरकारी जॉब बिजनेस कुछ करते हैं उसमें कुछ तरक्की होगी, इंक्रीमेंट होगी या बिजनेस में लाभ होगा। अघोरी साधु होते हैं, उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है, भयानक होती है। ऐसे साधु को देख लिया आपने सपने में, उनके हाथ में नरमुंड भी होते हैं और इस तरह के वो भयानक रूप लिए हुए होते हैं, उनको देख के डर लग जाता है। तो ये सपना भी डरने की आवश्यकता का तो दे रहा है, लेकिन इसका लाभ भी दिखा रहा है, आपको धन का लाभ होगा। और एक खास बात है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं वहां मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है। आपने सपना देखा था किसी डेड बॉडी को, और यहां अगर आपने देख लिया किसी अर्थी को यानी उसको शमशान ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं लोग, ऐसी डेड बॉडी भी देखी या अर्थी देखने का भी आपको संकेत देता है कि कुछ धन की प्राप्ति होने वाली है। ये पॉजिटिव सपने हैं, शुभ लाभ देने वाले हैं और स्वप्न शास्त्र के अनुरूप हजारों साल में इनके बारे में निर्णय लिए गए हैं और उन्हीं के अनुरूप हम ये अपना वीडियो बनाते हैं। कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद। नमो नारायण।